वेद संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप वास्तु शास्त्र में विश्वास रखते हैं? कुछ लोगों का जवाब हाँ में होगा तो कुछ लोगों इसे अंधविश्वास का नाम देते होंगे। बहुत से लोग जाने अनजाने वास्तु शास्त्र के बिल्कुल विपरीत चले जाते हैं और उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यूं तो आपके जीवन में परेशानियों का आने का कोई समय नहीं होता और ना ही यह आपको बताकर आती है। ऐसे में जरूरी है कि आप पहले से ही खुद को सतर्क करके रखें ताकि आप अपने बुरे समय में भी आप स्ट्रॉन्ग रह सकें। दोस्तों, आज वेद संसार आपको वास्तु से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा है जिसे जानकर आप जरूर से हैरान हो जाएंगे। दरअसल हम दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तु के अनुसार वह कौन सी 5 चीजें हैं जिनका आपके सिर के पास होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्स या पैसे। दोस्तों, ध्यान रहे कि रात को सोते समय अपने पर्स या फिर बटुए को कभी भी सिर के पास ना रखें और ना कभी इसे सर के करीब रखकर सोना चाहिए। बता दें कि ऐसा करने से मनुष्य हर समय पैसों से संबंधित चिंताओं से खुद को गिरा हुआ पाता है। दूसरा है घड़ी, मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। दूसरी ओर कभी भी भूलकर किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सिर के पास रखकर नहीं सोना चाहिए। जान लें कि ऐसा करने से व्यक्ति को बेवजह का मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए सोने से पहले अपनी जरूरत की चीजें याद से हटा दें। उसके बाद है तीसरे नंबर पर कोई डरावनी फोटो या फिर शोपीस। दोस्तों, सोते समय कोई भी डरावनी फोटो या फिर शोपीस को अपने सिरहाने में नहीं रखना चाहिए। ध्यान रहे कि ऐसा करने से आप तनाव और नेगेटिव थॉट्स के शिकार आसानी से हो सकते हैं और बदले में आपको सिर्फ नकारात्मक शक्तियां ढेर सारी परेशानियों से घेर लेती हैं। चौथा है किताब या फिर अखबार। कुछ लोग सोने से पहले पढ़ने का शौक रखते हैं और जब पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद आ जाती है तो वह आंखें बंद कर लेते हैं और पढ़ रहे किताब को अपने तकिए के नीचे रख देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तकिए के नीचे अखबार या मैगजीन जैसी कोई भी चीज नहीं रखनी चाहिए। ध्यान रहे कि कोई किताब या फिर अखबार को सोते समय सिर के पास रखने से इंसान का जीवन बहुत नकारात्मक तरीके से प्रभावित होता है। दोस्तों, पांचवा और आखिरी है जूते और चप्पल। बताते चले कि सोते समय इंसान को कभी भी जूते या फिर चप्पल को भूलकर भी सिरहाने पर नहीं रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बेड के पास या फिर बेड के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। जान ले कि ऐसा करना बहुत ही अशुभ फल प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, जूते और चप्पल को अगर कोई व्यक्ति अपने सिर के सिरहाने रखकर सोता है तो उसकी सेहत और धन दोनों पर नेगेटिव यानी कि नकारात्मक ऊर्जाओं का असर पड़ सकता है, जिससे आपकी जिंदगी खुशहाल कभी नहीं बन पाएगी और आप आए दिन परेशानियों से खुद को घिरा पाएंगे। दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो में हमने आपको वास्तु टिप्स के बारे में बताया, तो हम आशा करते हैं आप इन बातों का जरूर से ध्यान रखेंगे और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर ऐसे ही और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।